बच्चों और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। कसली का जन्मदिन करीब आ रहा था, इसलिए जन्मदिन की पार्टी के लिए वो अपने दोस्तों को बुला रहा था। चूचू, चाचा, मेरी पार्टी में जरूर आना। चीकू, तुम्हें तो आना ही होगा। ये रहे तुम्हारे निमंत्रण। धन्यवाद कसली, धन्यवाद। चीका कसली की ओर जा रहा था, उसके हाथों में एक बड़ा सा केक था, इसलिए वो देख नहीं पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, और गलती से वो सीधा कसली से जा टकराया। देखो तुमने क्या कर दिया चीका, तुमने मेरे सारे निमंत्रण पत्रों पर केक लगा दिया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में नहीं बुलाऊंगा। हाँ, पर ये तो गलती से हुआ था कसली, मैं जानबूझकर केक नहीं गिराना चाहता था। कसली, मुझे नहीं लगता तुम्हें गुस्से में ऐसी बातें बोलनी चाहिए। जानते हो, ऐसे तुम अपने अच्छे दोस्तों को खो सकते हो, ठीक वैसे जैसे एक नन्हे राजा ने खोया था। हाँ, कौन नन्हा राजा? बहुत समय पहले की बात है, एक नन्हा राजा था। उसके पास एक सुंदर और बड़ा सा महल था। राजा को फूलदान जमा करने का शौक था, इसलिए उसके पास वो बहुत सारे थे। उन्हें वो अपने मेहमानों को दिखाता और बहुत खुश होता जब मेहमान उन फूलदानों की तारीफ करते। जरा देखिए इन फूलदानों को, क्यों है ना ये खूबसूरत? हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये जरूर बहुत कीमती भी होंगे। ऐसे फूलदान तो एक राजा के पास होने ही चाहिए। हाँ। वो राजा अपने फूलदानों को बहुत चाहता था। एक दिन उसने अपने नौकर से कहा कि वो उनकी साफ सफाई करे। ए सुनो, इनके ऊपर से धूल साफ करो और इन्हें अच्छी तरह से धोना भी है। हमारे ये सारे फूलदान साफ और चमकने चाहिए। जी महाराज। उस नौकर ने फूलदानों की अच्छी तरह सफाई की। उन पर पड़ी धूल को उसने खास रेशम के कपड़े से साफ किया। नौकर ने फूलदानों पर कड़ी निगरानी भी रखी। वो उन फूलदानों के पास चूहे तो क्या, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं भटकने देता था। शू शू, भागो यहाँ से, ये राजा के फूलदान है। एक दिन वो नौकर उन फूलदानों को धोने के लिए ले गया और जो साबुन वो इस्तेमाल कर रहा था उससे उसके हाथ फिसलन भरे हो गए। ऐसे में एक फूलदान उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। बेचारा नौकर बहुत डर गया। अरे नहीं, अगर राजा को पता चल गया कि मैंने उनका एक फूलदान तोड़ दिया है तो वो बहुत गुस्सा होंगे। शायद मुझे इसके बारे में उन्हें बताना ही नहीं चाहिए, उनके पास तो इतने सारे फूलदान हैं, एक के गायब होने का उन्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसको छिपाना भी अच्छी बात नहीं होगी, मुझे राजा को सच्चाई बता देनी चाहिए। इस तरह नौकर ने राजा को फूलदान टूटने की बात बता दी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे आपका एक फूलदान टूट गया। राजा बहुत नाराज हुआ। तुमने जो किया उसकी माफी नहीं मिलेगी, हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से, और पहाड़ी पर जो जेल है उसमें इसे कैद कर दो। हाँ, लेकिन महाराज,
वो तो एक दुर्घटना थी। सैनिक उस नौकर को ले जाने लगे। रास्ते में उस नौकर को उसका एक दोस्त मिला। ये सैनिक तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं मेरे दोस्त? और तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो मेरे दोस्त? हाँ, राजा ने मुझे जेल की सजा दी है। उनका आदेश है कि मुझे कैद में रखा जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनका एक फूलदान तोड़ दिया। ये तो गलत बात है। नौकर के दोस्त ने उसे बचाने का फैसला किया। उसने एक जादूगर का भेष बनाया और महल में पहुंच गया। हमारे महल में आपका स्वागत है जादूगर। आओ हमारे इन फूलदानों को देखो, है ना ये खूबसूरत? ये तो मानना पड़ेगा कि आपके फूलदान बहुत ही खूबसूरत है महाराज, और ये भी कि इनसे आपको खुशी मिलती है। लेकिन अगर आपको अपने फूलदानों के बारे में सच जानना है तो आप एक आम आदमी का भेष बनाकर अपने राज्य की प्रजा से पूछिए, वो ही आपको सच बताएंगे। हाँ, एक आम आदमी के भेष में अपने फूलदानों के बारे में प्रजा से पूछूं? जी हाँ महाराज। तो राजा ने एक आम आदमी का भेष बनाया और अपने फूलदानों के बारे में जानने के लिए राज्य भर में प्रजा से पूछने लगा। नमस्ते, क्या आप राजा के फूलदानों के बारे में बता सकते हैं? मैंने सुना है वो बड़े खूबसूरत हैं। राजा के फूलदान? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत बुरे हैं, वो अपशकुन लाते हैं। हाँ, मनहूस? हाँ, हमारा एक दोस्त जो राजा का नौकर था, उससे एक फूलदान टूट गया और राजा इसके लिए उसे सजा दे रहा है, हालांकि वो बस एक दुर्घटना थी। हमारे बेचारे दोस्त को अब अकेले ही जेल में सजा काटनी पड़ेगी, सिर्फ उस फूलदान की वजह से। हाँ? जरा सुनिए, क्या आप राजा के फूलदानों के बारे में बताएंगे? ओ, वो फूलदान, वो इतने भी अच्छे नहीं हैं। वो सबको मुसीबत में डालते हैं और राजा उनकी वजह से मतलबी हो गया है। हाँ, मतलबी? राजा के फूलदान हर तरफ उदासी फैलाते हैं, क्योंकि अगर वो टूट गए तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और जो उनको छूता है उन्हें भी राजा सजा देता है। हाँ, हाँ, और देखना, एक दिन राज्य की प्रजा राजा को पसंद करना छोड़ देगी और इस सब के जिम्मेदार होंगे सिर्फ वो फूलदान। हाँ। वो नन्हा राजा बहुत निराश हुआ और अपने महल में वापस लौट गया। अब हम जान गए हैं हमारी प्रजा हमारे फूलदानों के बारे में क्या सोचती है। जादूगर उन्हें कोई पसंद नहीं करता और उन्हीं की वजह से लोग हमें भी पसंद करना छोड़ देंगे, इसलिए अब हम उन सब को तोड़ डालेंगे। आपको अपने उन फूलदानों को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, आपको बस ये समझना है कि वो उतने जरूरी नहीं है जितनी की आपकी प्रजा है, और आपको दया दिखाते हुए उन सबको माफ कर देना चाहिए जो आपके आसपास रहते हैं, और छोटी छोटी बातों पर नाराज होना छोड़ दीजिए क्योंकि ये चीजें इतना मायने नहीं रखती। नौकर का दोस्त जो कहना चाहता था नन्हे राजा वो सब समझ गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहा कि वो फौरन नौकर को महल में ले आए। आप हमें माफ कर दीजिए, हमने गुस्से में आकर आपको सजा दे दी, पर अब हम बिल्कुल गुस्सा नहीं हैं। अब हम ये समझ गए कि आप बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे। अब हमें उन फूलदानों की जरा भी परवाह नहीं है, हमें आपकी परवाह है, इसलिए मेहरबानी करके हमारे दोस्त बनकर इसी महल में रहिए। तो इस तरह उस नौकर के दोस्त ने गुस्से में आकर एक बहुत बड़ी गलती करने से उस राजा को रोका। उन्होंने राजा को इस बात का भी एहसास दिलाया कि लोग चीजों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कसली, अगर हम सब तुमसे टकरा जाएं और तुम पर गिर जाएं, तो क्या तुम गुस्से में आकर हम सबको पार्टी में आने से मना कर दोगे?
हाँ? अगर तुम ऐसा करोगे तो जब तुम अपने जन्मदिन का केक काटोगे तो तुम्हारे साथ गाने और मस्ती करने के लिए कोई नहीं होगा। मुझे माफ करना चीका, मैं समझ गया कि ये एक दुर्घटना थी। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी पार्टी में चलो, हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। क्यों नहीं कसली? हुर्रे! इस तरह कसली ने गुस्से में आकर उल्टा सीधा कहना बंद कर दिया। चीका और कसली के सारे दोस्त कसली के जन्मदिन की पार्टी में गए और कसली के लिए ये पार्टी यादगार बन गई। हुर्रे! पहाड़ों पे एक बहुत ही सुंदर झील थी। उसका पानी ठंडा और चमकदार था। आसपास के शहरी लोग बड़े मजे से इसका पानी पीते थे। लोग इसका इस्तेमाल नहाने धोने और खाना पकाने में भी करते थे। इस झील का पानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। शुक्र है कि प्यास लगने पर हम इसे पी सकते हैं। बहुत से लोग इस झील पर पिकनिक मनाने आते थे। हुर्रे! हम झील पर पहुंच गए। कितनी सुंदर है ये। चलो अपनी पिकनिक की टोकरी खोलें और नाश्ते का मजा लें। पर अफसोस, बहुत से लोग झील के पानी में कचरा फेंक रहे थे। जिससे झील गंदी हो गई थी। इसमें कूड़ा भी जमा हो गया था, जिससे झील का आकार छोटा हो गया था और उसकी वजह से ढेर सारा बरसात का पानी इसमें जमा नहीं हो सकता था। अरे नहीं, हमारी खूबसूरत झील तो गंदी हो गई है। ये छोटी हो गई है और इसमें बरसात का पानी भी कम जमा हो रहा है। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, वरना गर्मी में पीने का पानी बहुत कम रह जाएगा और झील में रहने वाली मछलियाँ भी बीमार पड़ जाएंगी। निक्की नाम का लड़का भी उसी झील के पास रहता था। उसे झील को लेकर बहुत चिंता थी, इसलिए उसने लिटिल फॉरेस्ट रेंजर्स को फोन किया और मदद मांगी। हेलो लिटिल फॉरेस्ट रेंजर्स, क्या आप झील पर आ सकते हैं प्लीज? लिटिल फॉरेस्ट रेंजर्स झील पर फौरन पहुंच गए। अरे नहीं, ये झील तो बहुत गंदी है। ये छोटी भी हो गई है। अगर इस झील को बड़ा नहीं किया गया तो गर्मियों में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, और अगर हमने कूड़े को इसमें से नहीं निकाला तो पानी गंदा ही रहेगा और झील की मछलियाँ बीमार पड़ जाएंगी। तो क्या करना चाहिए नन्हे फॉरेस्ट रेंजर्स? हम इस झील को कैसे बचाएं? घबराओ मत, हम लोगों से कहेंगे कि वो झील को साफ करने और बड़ा बनाने में हमारी मदद करें। और इस तरह लिटिल फॉरेस्ट रेंजर्स ने शहर के लोगों से मदद करने को कहा। क्या आप झील की सफाई में हमारी मदद करेंगे? क्या आप झील के किनारे खोदकर उसे बड़ा करने में मदद करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो गर्मियों के महीनों में हमारे पास ढेर सारा पानी होगा। लेकिन इस शहर के लोग बड़े आलसी थे। झील की सफाई और उसे बड़ा करने में कोई मदद नहीं करना चाहता था। माफ करना, मैं अभी काम कर रहा हूँ। सर,
सच में मेरे पास तो समय ही नहीं है। हाँ, झील को कोई नहीं बचाना चाहता। हम अकेले इस झील को साफ और बड़ा नहीं बना सकते। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है और मुझे पता है ये काम करेगी। जूजू शहर के मेयर के पास पहुंचती है। हाय मिस्टर मेयर, क्या आपके पास पैसे हैं जिससे आप झील को साफ करा सके? मुझे बहुत ही अफसोस है जूजू, शहर परिषद के पास बहुत कम पैसे हैं। हमारे पास बस कुछ ही सोने के सिक्के और कुछ चांदी के सिक्के रह गए हैं, और वो राजा के खजाने का हिस्सा हैं। क्या आप मुझे ये सिक्के देंगे मिस्टर मेयर? झील की सफाई में ये काम आएंगे। जरूर चूचू। धन्यवाद। लिटिल फॉरेस्ट रेंजर्स ने उन सोने और चांदी के सिक्कों को झील में और उसके चारों ओर रख दिया। फिर चूचू ने एक कहानी बनाई और चीकू को सुनाई। उस औरत के सामने, चीकू, ये सोने का सिक्का देखा? ये मुझे झील में से मिला। लगता है झील के बारे में जो कहानी सुनी थी वो सच है। कहते हैं कि बहुत साल पहले राजा ने अपने खजाने वाला संदूक झील में खो दिया था। वो खजाने का संदूक सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था, जैसे कि ये वाला है। सच में? इसका मतलब झील में और उसके आसपास सोने और चांदी के सिक्के और भी होंगे? हाँ, सोने और चांदी के सिक्के, खजाने वाला संदूक हमारी झील में। जूजू और लिटिल फॉरेस्ट रेंजर्स झील के आसपास खोदने का दिखावा करने लगे, और ये भी कि उन्हें सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। देखो, मुझे मिला एक सोने का सिक्का और मुझे चांदी का सिक्का। चलो झील के अंदर ढूंढते हैं, वहाँ और भी होंगे। हाँ? उस औरत ने अभी अभी जो देखा और सुना वो उसने शहर के लोगों को बताना शुरू किया। झील के अंदर सोने और चांदी के सिक्के हैं। पता है, एक राजा ने बहुत समय पहले उसमें खजाने का संदूक छिपाया था। अब सब लोग झील के किनारे सोने और चांदी के सिक्के ढूंढ रहे हैं। तब तो हम सबको भी झील में जाना चाहिए। उस संदूक के लिए हमें उसके आसपास खुदाई करनी चाहिए, और हमें सोने और चांदी के सिक्कों के लिए मछली का जाल भी इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों की भीड़ झील पर पहुंच गई। चलो सोने और चांदी के सिक्के ढूंढें। चलो खजाने वाला संदूक ढूंढते हैं। कई लोग झील के चारों तरफ खुदाई करने लगे। उनमें से कुछ लोगों को चांदी के सिक्के मिले जो चूचू और लिटिल फॉरेस्ट रेंजर्स ने इधर उधर रख दिए थे। देखो, मुझे चांदी का सिक्का मिला। और गहरा खोदते हैं, शायद कुछ सोने के सिक्के भी मिल जाएं। कुछ लोग नाव से झील में गए। उन्होंने मछली का जाल इस्तेमाल किया इस उम्मीद में कि उन्हें झील में सोने चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। मुझे भी कुछ मिला। अरे देखो, ये सिक्का तो सोने का है। मुझे भी कुछ मिला है। हाँ, ये तो जूता है। क्योंकि बहुत सारे लोग झील के चारों तरफ खुदाई कर रहे थे, इससे उसका आकार बड़ा हो गया, और साथ ही कई लोग झील के अंदर सोना और चांदी ढूंढ रहे थे,
तो कूड़ा भी बाहर निकल गया जिससे उसकी सफाई हो गई और जल्द ही झील साफ सुथरी और बड़ी हो गई। हुर्रे! अब झील काफी बड़ी हो गई है और इसका पानी चमकदार और साफ भी। ये अब शहर में सबके लिए ढेर सारा ताजा और साफ पानी है और झील की मछलियाँ भी बीमार नहीं पड़ेंगी। आप सबका धन्यवाद नन्हे फॉरेस्ट रेंजर्स। क्या किसी को खजाने का संदूक मिल गया? उसमें जरूर ज्यादा सोना चांदी होगा। ये झील अपने आप में खजाने का संदूक है और इसका साफ पानी दुनिया के सारे सोने और चांदी से कीमती है। ये तो सच है। चूचू और लिटिल फॉरेस्ट रेंजर्स बहुत खुश थे। उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के शहर के लोगों को ही दे दिए और उनकी मदद के लिए उनका धन्यवाद भी किया। आज आपने इस झील को बचाने में हमारी मदद की, इसलिए ये सोने के सिक्के आपके लिए हैं। इसका इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए कीजिएगा। धन्यवाद। एक शाम चूचू और उसके दोस्त स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। अचानक जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगीं। हाँ, बारिश हो रही है। हमारे पास ना ही छाते हैं और ना ही रेनकोट्स। हम बारिश में गीले हो जाएंगे और हमें जुकाम हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। चलो हम इस घर की छत के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। तो चूचू और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए छत के नीचे भागे। जैसे ही वो सब छत के नीचे खड़े हुए, एक भंवरा उनके पास आ गया। वो कसली के आसपास मंडराने लगा और कसली को उसे डर लगने लगा। यहाँ पर एक भंवरा है, ये मुझे काट लेगा। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। इससे अच्छा तो मैं बारिश में भीग जाऊं। कसली भंवरे से इतना डर गया कि वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। फिक्र मत करो कसली। चूचू ने कसली को एक कहानी सुनाने की सोची ताकि उसे अच्छा लगे और वो ना डरे। ये तो एक नन्हा सा भंवरा है, जरा सी बहादुरी दिखाओ और डरो मत। उस नन्हे बकरे की तरह जब उसने एक गुफा में पनाह ली थी एक शेर, भेड़िये और बाघ के साथ। चलो आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ एक चतुर बकरे की। एक शाम जब एक नन्हा बकरा जंगल से गुजर रहा था तो उसके पास सुनहरे शहद से भरा एक मटका था। मुझे जल्दी से घर पहुंचना है ताकि ये शहद खा सकूं। अचानक एक बड़ा सा स्लेटी बादल आसमान में घिर आया। आसमान काला हो गया और बहुत ही जोर से बिजली कड़की। वो नन्हा बकरा इतना डर गया कि शहद उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आसमान से गिरने लगी। अरे नहीं, बारिश होने लगी। अच्छा होगा मैं किसी जगह पर आसरा ले लूं। नन्हा बकरा छुपने की जगह ढूंढने लगा।
उसे जो जगह मिली वो थी एक गुफा। हाँ, ये तो एक गुफा है। बारिश रुकने तक मैं यहीं रहूंगा। तो वो नन्हा बकरा गुफा के अंदर चला गया। उस नन्हे बकरी को झटका लगा जब वो गुफा के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ पहले से तीन जानवर मौजूद थे, एक शेर, एक बाघ और एक भेड़िया। उस शेर ने नन्हे बकरे को भूखी आंखों से देखा। वो ये भी जानने को उत्सुक था कि नन्हे बकरे के मटके में क्या है। ये नन्हा बकरा तो बड़ा ही स्वादिष्ट दिखता है। और लजीज भी। और बढ़िया भी। नन्हे बकरे, तुम तो स्वादिष्ट दिखते हो, पर ये बताओ कि तुम्हारे इस बर्तन में क्या है। ये जानने के बाद कि शेर, भेड़िया और बाघ उसे खाना चाहते हैं, बकरे ने सोचा कि उसे बहादुरी और चतुराई से अपनी जान बचानी है। उसने जल्दी से एक कहानी बनाई। मेरे पास इस बर्तन में जादुई शहद है शेर महाराज, जो भी इसे खाएगा बलवान बन जाएगा और इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी। शेर ने नन्ही बकरी की कहानी पर विश्वास कर लिया। क्या ऐसा है? फिर तो मैं ही शहद खाऊंगा और जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। आखिरकार मैं जंगल का राजा भी तो हूँ। नन्हे बकरे ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। पर एक बात है, इस शहद को ऐसे ही नहीं खा सकते शेर महाराज। जिन मधुमक्खियों ने इसे मुझे दिया था उन्होंने कहा था कि इसके साथ कुछ और भी खाना है। कुछ और भी? हाँ, शहद का जादू तभी काम करेगा जब इसे खाया जाएगा भेड़िये की पूंछ के साथ। अगर ऐसा है तो मैं शहद भेड़िये की पूंछ के साथ ही खाऊंगा। भेड़िये, जल्दी इधर आओ, मुझे अपनी पूंछ दे दो। नहीं। शेर ने भेड़िये का पीछा करना शुरू किया। सुनो बाघ, बकरे और शहद पर नजर रखना, मैं भेड़िये की पूंछ लेकर आता हूँ। शेर गुफा छोड़कर चला गया और अब वहाँ वो नन्हा बकरा और बाघ रह गए। अरे नहीं, मुझसे गलती हो गई। श्रीमान बाघ, क्या आप शेर महाराज को वापस बुला सकते हैं? मुझे उन्हें बताना है कि इस शहद का जादू भेड़िये की पूंछ के साथ काम नहीं करेगा। इसके लिए तो कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए? वो क्या है नन्हे बकरे? शेर को शहद किस चीज के साथ खाना चाहिए ताकि शहद का जादू काम कर जाए? मुझसे गलती हो गई श्रीमान बाघ, इस शहद को भेड़िये की पूंछ के साथ नहीं खाना है। इसे तो खाना है एक अच्छी लंबी बाघ की पूंछ के साथ, बिल्कुल आपकी पूंछ की तरह। मुझे श्रीमान शेर को बुलाना होगा ताकि वो यहाँ आकर आपकी पूंछ उखाड़ सके। नहीं, तुम ऐसा मत करो। सुनिए शेर महाराज। अरे
भागने में ही भलाई है। तो इस तरह बाघ गुफा से भागा अपने आप को बचाने के लिए। तभी अचानक बारिश भी रुक गई और नन्ना बकरा गुफा से निकलकर जल्दी से अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैंने अपने आप को शेर, बाघ और भेड़िये का भोजन बनने से बचा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहादुर और होशियार हूँ। अब मैं आनंद लूंगा इस स्वादिष्ट शहद का, ये मुझे ताकतवर बनाएगा। वो भी इसे किसी की पूंछ के साथ खाए बिना। और इस तरह उस नन्हे बकरे ने किसी दूसरे का शिकार होने से खुद को बचा लिया। चलो भी कसली, भवरी से डरना बंद करो, तुम भी होशियार और निडर बनो जैसे चूचू की कहानी में वो बकरा था। हाँ कसली, सोचो कैसे तुम भवरे को अपने से दूर भगाओगे। मुझे पता है क्या करना है, मैं यहाँ फूल वाला गमला रखूँगा, भवरा फूल पर बैठ जाएगा और मेरे बारे में भूल जाएगा। देखो भवरे, एक फूल है ना, कितना सुंदर। और इस तरह कसली ने अपनी चतुराई और बहादुरी से उस भंवरे को उड़ा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूचू की कहानी में नन्हे बकरे ने किया था। कसली और चाचा बगीचे में अपने खिलौनों से खेल रहे थे। ये देखो, ये रहा बड़ा डायनासोर। अचानक उन्हें वहाँ एक चींटी दिखी। ध्यान से कसली, यहाँ पर एक चींटी है। और तभी बगीचे में चूचू आ गई, उसके साथ चीका और चीकू भी थे। चलो इसे उठाकर फेंक देते हैं, ये बहुत छोटी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम गलत हो कसली, ये चींटी भले ही छोटी है लेकिन ये बहुत ही ताकतवर है। हाँ कसली, अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। तब तुम्हें लगेगा कि उस चींटी को छेड़ा नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सांप को चींटियों को तंग करने के बाद लगा था। सांप और चींटियां? चूचू हमें भी कहानी सुनाओ ना, सांप और चींटियों की। हाँ चूचू सुनाओ ना। और फिर चूचू ने सबको सांप और चींटियों की कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, एक बगीचे में एक सांप रहता था, उसका घर वहीं एक बिल में था। वो सांप उस बिल में सोया करता। और जब भी वो भूखा होता वो बाहर आ जाता। मुझे भूख लगी है, काश कि मुझे खाने के लिए कोई स्वादिष्ट चीज मिल जाए। उस बगीचे में बहुत सी चिड़िया रहती थी और उस सांप को उनके अंडे खाने में मजा आता था। आप, 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 सांप बगीचे में घूम रहे
बाकी छोटे मोटे जानवरों को भी खा लेता, जैसे छिपकली, चूहे, गिलहरी और मेंढक। भागो, वहाँ एक सांप है। ये सांप हमेशा मेरे अंडे खा जाता है। वो मेरे अच्छे दोस्त को भी निगल गया। सांप ने इतने सारे छोटे छोटे जानवरों को खा लिया और खा खा के वो बहुत मोटा हो गया। अरे नहीं, मैं तो अपने घर के अंदर बाहर जा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे अब अपने लिए कोई नया घर ढूंढना होगा। और इसलिए सांप ने अपने लिए नए घर की तलाश शुरू की। चल रही सांप को एक सेब का पेड़ नजर आया। उसके तने में भी एक छेद था। सेब के पेड़ में तो एक बड़ा छेद है। देखने में तो रहने लायक लग रहा है। मैं इसे अपना घर बना सकता हूँ। पर यहाँ तो चिड़िया, चूहा और गिलहरी सभी एक साथ रहते हैं। ये सब बहुत शोर मचाते हैं। मुझे इन सबको यहाँ से भगाना होगा। और फिर सांप ने सभी जानवरों को डराना शुरू किया। जाओ यहाँ से चिड़िया, इस पेड़ को छोड़ दो। तुम भी चूहे और गिलहरी, वरना मैं निगल जाऊंगा तुम्हें। पर ये पेड़ तो हमारा घर है। हमने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। अपने लिए एक नया घर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पेड़ अपने लिए चाहिए, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चिड़िया, चूहा और गिलहरी बहुत दुखी हो गए। अब हम लोग क्या करें? चलो चलकर बागीचे की बूढ़ी मेंढकी से मिले। वो बहुत समझदार है, शायद वो हमारी कोई मदद करे। और फिर चिड़िया, चूहा और गिलहरी बगीचे में रहने वाली बूढ़ी मेंढकी से मिलने गए। मेंढकी जी, वो सांप हमें उस पेड़ से निकल जाने को कह रहा है जो सालों से हमारा घर रहा है। बताइए अब हम क्या करें? हमारे पास रहने की और कोई जगह नहीं। वो सांप हम सभी को बहुत तंग कर रहा है। अब उसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। जरा नजदीक आओ, मैं बताती हूँ तुम क्या कर सकते हो। और फिर बूढ़ी मेंढकी ने चिड़िया, गिलहरी और चूहे को बताया कि उन्हें क्या करना है। उस दिन चिड़िया, चूहा और गिलहरी सांप से मिलने गए। सांप महाशय, हम सब आपको अलविदा कहने आए हैं। हम सब यहाँ से जा रहे हैं। अब ये सेब का पेड़ आपका है। हाँ, हमें रहने के लिए एक बहुत ही आरामदायक घर मिल गया है, और वो इस पेड़ से भी ज्यादा अच्छा है। कितना आरामदायक घर है। कहाँ है वो? चिड़िया, चूहे और गिलहरी ने एक चींटी के घर की तरफ इशारा किया। हम उस चींटी के पहाड़ पर रहने जा रहे हैं। वहाँ हम सब बहुत आराम से रह सकेंगे, इस सेब के पेड़ से भी कई ज्यादा आराम से। क्या ऐसी बात है?
क्या चींटी का पहाड़ पेड़ से बेहतर है? फिर तो मैं अपना नया घर वहीं बनाऊंगा। तुम इस पेड़ पर रह सकते हो। और फिर सांप सेब का पेड़ छोड़ के चला गया। चींटी के पहाड़ पे पहुंचकर उसने शोर मचाया और चींटियों को उनका घर खाली करने के लिए कहा। बाहर निकलो चींटियों, इस जगह से चली जाओ, यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा। बड़ी बड़ी लाल और गुस्सैल चींटियाँ अपने घर से बाहर निकल के आईं। तो सांप महाशय, आप चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़कर चले जाएं? हाँ, चले जाओ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। वैसे भी तुम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही तो हो, और मैं हूँ एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर सांप। चलो अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी पूंछ से तुम्हारा सफाया कर दूंगा। सांप को लगा कि वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और चींटियाँ कमजोर और छोटी हैं। इसीलिए उसने अपनी पूंछ उठाई और चींटियों को जोर से एक तरफ पटक दिया। पर उसे क्या पता था कि चींटियों को भी गुस्सा आता है। सारी की सारी चींटियाँ सांप के ऊपर चढ़ गईं और उसे जोर जोर से काटने लगी। कोई भी नन्हा जानवर इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा सांप महाशय। अगर कोई जाएगा तो वो हो तुम, और फिर कभी वापस मत आना। अगर आए तो हम तुम्हें फिर से काट कर भगा देंगे। सभी छोटे जानवरों ने मिलके उस सांप को बगीचे से बाहर फेंक दिया। तब सांप ने सोचा कि काश उसने कभी किसी को तंग नहीं किया होता। अगर मैं शांति के साथ अपने बिल में रहता और किसी को भी परेशान नहीं करता तो आज मेरे पास रहने के लिए घर होता। चिड़िया, चूहा और गिलहरी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेंढकी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। शुक्रिया आपका मेंढकी जी, आपकी योजना काम आई। अब वो सांप इस बगीचे से चला गया है, अब हम सब यहाँ खुशी से रहेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों। उम्मीद है इससे उस सांप को सबक मिला होगा। दूसरों का बुरा करने वाले खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। देखा कसली, अगर तुम भी किसी के साथ बुरा करोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे, बिल्कुल सांप की तरह। मैं सांप की तरह बुरा नहीं हूँ, मैं नन्ही चींटियों को तंग नहीं करूँगा। नन्ही चींटी, मुझे माफ करना, मैं अच्छा बर्ताव करूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुम मुझे काटोगी तो नहीं? इस तरह चूचू की कहानी ने कसली को ये समझाने में मदद की कि नन्हे जानवर भी बहुत बलवान होते हैं, और भलाई इसी में होती है कि हम उनके और औरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें।